हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में है जो दुनिया को तबाह करने वाली एक फ्लड में फंस जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इनका क्या अंजाम होता है। तो मूवी के शुरू में हम एक नेस्टियन एनिमल डेव को देखते हैं, जो रेगिस्तान में अपने बेटे फिनी के साथ रहता है। वो अपने लिए एक परफेक्ट घर ढूंढ रहा है और इस वजह से उन्हें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन फिनी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इससे वो कहीं भी अच्छे दोस्त नहीं बना पाता। अभी डेव ये जगह छोड़कर कहीं और जा रहा है और इससे फिनी बहुत नाराज होता है। तब डेव उसे बताता है कि जल्दी ही यहाँ एक फ्लड आने वाली है और लायन ने जंगल के सभी एनिमल्स को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। फिनी को ये भी उसका कोई नया बहाना लगता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि आसमान में काले बादल छा गए हैं और मौसम भी खराब होने लगा है। जल्दी ही वो अपना सामान लेकर मीटिंग वाली जगह पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां उनके जैसे हजारों एनिमल्स आए हैं। यहां फिनी की नज़र लिया पर पड़ती है, जो अपनी मोम हेजल के साथ आई है और वो दोनों एक खूंखार प्रजाति ग्रिम से बिलोंग करते हैं। तभी उनसे बात करने लायन वहां आता है और बताता है कि आप लोगों ने फ्लड के बारे में सही सुना है और जल्दी ये धरती से लाइफ का नामो निशान मिटा देगी। ये सुनकर सारे एनिमल्स डर जाते हैं, लेकिन लायन उन्हें बताता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इससे बचने का एक तरीका भी है। फिर वो उन्हें एक बड़ी सी बोट दिखाता है जो किसी नोआ नाम के आदमी ने बनाई है और कहता है कि ये सभी एनिमल्स को उस फ्लड से बचा सकती है। वो खुद को इस बोट का कैप्टन अनाउंस करता है और बताता है कि रूल के हिसाब से कोई भी एनिमल दूसरे को नहीं खा सकता और सिर्फ वही एनिमल बोट में जा सकते हैं जो नोआ की लिस्ट में है। अगले सुबह सभी एनिमल्स अपने ऑडिशन के लिए आते हैं, जहां लायन और उसके साथ ही चेक करते हैं कि वो नोआ की लिस्ट में है या नहीं। एक एक करके सभी क्वालिफाइड एनिमल्स को मार्क कर दिया जाता है और फाइनली बारी आती है डेव की फैमिली की, लेकिन पता चलता है कि उनका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं और ये सुनकर डेव परेशान हो जाता है। वो उन सब से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें इस तरह नहीं छोड़ सकते, लेकिन लायन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ नर्वस होते ही डेव एक ब्लू कलर की गैस छोड़ता है, जो असल में नेस्टियन प्रजाति की कमजोरी है, और गुस्से में वो सब उसे बाहर भगा देते हैं। उधर फिनी और लिया अपने पेरेंट्स का वेट करते हैं और पता चलता है कि लिया और उसकी फैमिली को पास मिल गया है। डेव भी फिनी का दिल नहीं तोड़ना चाहता और उसे झूठ बोलता है कि बाकी एनिमल्स के साथ वो भी बोट पर जा रहे हैं। शाम होते होते सभी लोग अपने लिए एक जगह ढूंढ लेते हैं और डेव भी अपना नया घर तैयार कर लेता है। वो बातों ही बातों में फिनी को बहलाने की कोशिश करता है कि ये जगह रहने के लिए बहुत ही सुंदर है और तुम यहाँ अपने लिए दोस्त भी बना सकते हो। फिनी भी समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है और तब डेव उसे असलियत बताता है कि कैसे लायन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर फिनी का दिल टूट जाता है और डेव भी उसे उदास नहीं देख पाता। वो प्रॉमिस करता है कि हम उस बोट में जरूर जाएंगे और ये कहकर उसे गले से लगा लेता है। अगली सुबह सभी एनिमल्स बोर्डिंग करने लगते हैं, जहां एक फ्लेमिंगो चेकिंग करने में उनकी मदद कर रहा है। तभी वहां दो शैतान ग्रीफिन आते हैं, जो लाइन तोड़कर अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन पास ना होने के कारण गोरिला उन्हें उठाकर बाहर फेंक देता है। उधर डेव रूप बदलकर एक ग्रिम का बेस बना लेता है और वो लिया और उसकी मोम के साथ अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हेजल उनकी पोल खोलना चाहती है, लेकिन फ्लेमिंगो को लगता है कि ये शायद आपस में हस्बैंड वाइफ है और वो उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देती है। एक चिंपैंजी उन्हें उनके रूम तक लाता है, लेकिन हेजल अभी भी डेव पर बहुत नाराज होती है। उधर फिनी और लिया शिप को चेक करने जाते हैं और लिया बताती है कि मैं उस फ्लड को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। बचते हुए वो किसी तरह ऊपर के डेक तक आते हैं, लेकिन एक गार्ड उन्हें वहाँ देख लेता है और वो उससे बचकर भागने लगते हैं। फिनी ये देखकर घबरा जाता है, लेकिन देखता है कि लिया ने गार्ड को डराकर भगा दिया है। वो लिया से बहुत इम्प्रेस होता है और तभी वो देखते हैं कि फ्लड तेजी से उनके बोट की ओर आ रही है। उन्हें लगता है कि अच्छा हुआ हम टाइम से बोट पर आ गए, लेकिन फिनी देखता है कि वो बोट की बजाय एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, जो उस बोट के साइड में लगा हुआ है। जल्दी ही फ्लड उस बोट तक पहुंच जाती है और इनके लाख कोशिश करने पर भी ये दोनों बोट में नहीं चढ़ पाते। तभी अचानक वो प्लेटफॉर्म टूट जाता है और इससे पहले कि वो नीचे पानी में गिर पाए, ग्रीफिन्स उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो उन्हें बचाने आए हैं, लेकिन लिया बताती है कि मुझे इनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। फिर एक ग्रीफिन फिनी को निगल जाता है, लेकिन नर्वस होने के कारण वो ब्लू गैस छोड़ने लगता है और इसी चक्कर में लिया और फिनी बचकर एक आइलैंड पर आ गिरते हैं।
वहाँ वो एक बार फिर उस बोट को देखते हैं, जो धीरे धीरे उनसे दूर जा रही है। और लिया कहती है कि फ्लड से बचने के लिए उन्हें ऊंची जगह पर जाना होगा। उधर डेव और हेजल भी उन दोनों को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता और वो समझ जाते हैं कि हम उन्हें पीछे छोड़ आए हैं। चिंपैंजी उनके पास दो हिपो किड्स को लेकर आता है, लेकिन डेव कहता है कि ये हमारे बच्चों जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। तभी वो हिपो उसकी ड्रेस को खा जाते हैं और इससे डेव का राज खुल जाता है। गार्ड्स उन दोनों को एक जेल में डाल देते हैं और उनके समझाने के बावजूद लायन उनकी मदद करने से मना कर देता है। हेजल को लगता है कि ये सब डेव की ही गलती है और वो उसे जल्दी से कोई आइडिया सोचने को कहती है, वरना वो उसे मारकर खा जाएगी। इधर लिया भी फिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और कहती है कि यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। रात को वहाँ बहुत तेज बारिश होती है और लिया देखती है कि फिनी ने अपने लिए एक शानदार घर बना लिया है और ना चाहते हुए भी उसे उसके पास जाना पड़ता है। वहाँ वो फिनी को चमकते हुए देखती है और फिनी बताता है कि ये उनकी बॉडी का स्पेशल फंक्शन है। वो एक बार फिर लिया से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लिया कहती है कि वो तो बस यहाँ शेल्टर लेने आई है और सुबह होते ही वो अलग रास्ते पर निकल जाएगी। लेकिन अंदर से वो दोनों ही बहुत डरे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें लेने जरूर आएंगे। जल्दी ही सुबह हो जाती है और वो देखते हैं कि फ्लड का पानी उनके घर तक पहुँच गया है। फिनी अपने लिए एक बोट तैयार करता है, लेकिन वो भी गलती से उनसे दूर चली जाती है और ये देखकर लिया को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो ग्रीफिन से एक बार फिर उन पर अटैक करने आते हैं, लेकिन लिया किसी तरह फिनी को बचा लेती है और भागते हुए वो एक वेल के पास आते हैं, जो किनारे पर बैठी सो रही थी। वेल चीख मार कर ग्रीफिन को दूर उड़ा देती है और पता चलता है कि वो भी फ्लड से डर कर भाग रही है। वो अपना नाम ओबीसी बताती है, जिसके साथ स्टेपुट नाम का एक पैरासाइट भी है और उन्हें भी लायन ने बोट पर ले जाने से मना कर दिया था। वो खुद भी नहीं जानती कि वो असल में एक पानी की ही एनिमल है और बाकी सब भी ये बात नहीं समझ पाते। फिनी उन्हें अपने साथ माउंटेन की ओर चलने को कहता है, लेकिन लिया को लगता है कि इस तरह उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तब फिनी उसे समझाता है कि ओबीसी ने हमारी जान बचाई है और हम उसे इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इधर वो ग्रिफिन्स उन्हें खाने का प्लान बनाते हैं और पत्थर से एक ऐसा ब्रिज तैयार करते हैं जिस पर आते ही वो सब नीचे गिर जाएंगे। फिनी और उसके दोस्त भी माउंटेन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और देखते हैं कि फ्लड का पानी तेजी से उनके करीब आ रहा है। उधर डेव और हेजल जेल से निकलने का प्लान सोच रहे हैं और तभी डेव को एक आइडिया आता है। वो ऐसा शो करते हैं जैसे हेजल उसे खाने की कोशिश कर रही है और ये देखकर गार्ड उसे रोकने आता है, लेकिन वो उसे बेवकूफ बनाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। गार्ड से बचते हुए वो शिप के कंट्रोल रूम तक आते हैं और देखते हैं कि बोट को खुद लायन चला रहा है। डेव एक बार फिर उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लायन कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर वापस नहीं मुड़ने वाला और डेव को खाने की धमकी देता है। तभी हेजल पीछे से आकर उसे बेहोश कर देती है और डेव बोट को वापस आइलैंड की ओर मोड़ देता है, जहां दूर उन्हें माउंटेन की चोटी नजर आती है। इधर वो ग्रिफिन्स अपने डिनर का वेट करते हैं और जल्दी ही फिनी और उसके साथ ही उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। फिनी को लगता है कि उन्हें शायद कोई और रास्ता लेना चाहिए, लेकिन लिया कहती है कि पहले ही तुमने ओबीसी की हेड बनाने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है और फ्लड भी लगभग हम तक पहुंच चुकी है। ये कहकर वो उस ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन वो उनका वेट नहीं सह पाता और पत्थरों के साथ वो भी नीचे गिरने लगते हैं। ग्रिफिन्स उन गिरते हुए पत्थरों में ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन ओबीसी फिनी की हेड को एक पैराशूट की तरह यूज करके उड़ने लगती है। उड़ते हुए वो माउंटेन के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक वो हेड टूटने लगती है और वो सारे क्रैश होकर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ उन्हें ऊपर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन लिया कहती है कि मैं तुम पागलों के साथ और नहीं रह सकती और आगे का रास्ता मैं अकेले ही तय करूंगी। फिनी को ये सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन ओबीसी उसे समझाती है कि टाइम आने पर उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। उधर बोट पर एक गार्ड लायन से मिलने आता है, लेकिन डेव और हेजल लायन को एक पपेट की तरह यूज करके उसे बेवकूफ बना देते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर तक हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आगे हम लिया को देखते हैं, जो अकेले ही उस सुनसान रास्ते से आगे बढ़ रही है और सोचती है कि काश उसने अपनी मॉम का साथ ना छोड़ा होता। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है और इसी चक्कर में चट्टान टूटने से वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन एंड टाइम पर ओबीसी और उसके दोस्त वहां आकर उसे बचा लेते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है और साथ ही माफी मांगती है कि उसे उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी।
फिर वहाँ से निकलकर वो सब एक क्रिस्टल केव में आते हैं और फिनी अपनी स्किल से सबके लिए बेड बनाकर देता है। यहीं डेव और हेजल के बीच भी दोस्ती हो जाती है और वो प्रॉमिस करता है कि हम अपने बच्चों को बचाकर ही रहेंगे। जल्द ही सुबह हो जाती है और फिनी देखता है कि केव में पानी भरना शुरू हो गया है। पानी के बहाव से वो तेजी से उन टनल्स में आगे बढ़ने लगते हैं और एक छोटे से होल में आकर फंस जाते हैं जिसके ठीक नीचे पानी भरा हुआ है। फिनी और लिया ओबीसी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन इसी चक्कर में उसे छींक आ जाती है और ये दोनों उड़ते हुए सीधा उन ग्रिफिन्स के पास जा गिरते हैं। उन्हें देखकर ग्रिफिन्स के मुंह में पानी आ जाता है लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें अपना खाना बना पाए पानी ओबीसी को होल से बाहर फेंक देता है और वो ग्रिफिन्स को लेकर नीचे गिर जाती है। फिनी और लिया को लगता है कि उनकी दोस्त शायद मारी गई है और ये सोचकर वो दोनों उदास हो जाते हैं। तभी फ्लड का लेवल माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है और लिया फिनी को तुरंत ऊपर की ओर चलने को बोलती है। जल्दी ही वो पूरा माउंटेन फ्लड में डूब जाता है और ये दोनों आइस के एक बड़े से टुकड़े पर तैरने लगते हैं। फिनी को लगता है कि अब शायद उनका आखिरी टाइम आ गया है लेकिन लिया कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है और अगर तुम नहीं होते तो हम शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। फिर वो फाइनली उसे अपना दोस्त बना लेती है और वो दोनों एक दूसरे को हग करने लगते हैं। तभी उनकी नज़र उस बोट पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि उनके पेरेंट्स यहाँ उन्हें बचाने आए हैं। इधर डेव और हेजल को पानी में कुछ नजर नहीं आता और लिया को भी लगता है कि हमें उन्हें कोई सिग्नल देना चाहिए। तब फिनी लिया से खुद को डराने को बोलता है और डेव देखता है कि पानी में एक जगह ब्लू स्मोक निकल रहा है। वो समझ जाता है कि ये उसका बेटा ही है और वो बोट को उनकी ओर घुमा देता है। तभी अचानक लायन की आंख खुल जाती है और इससे पहले कि वो उन्हें जान से मार पाए डेव अपनी ब्लू गैस से उसे बेहोश कर देता है और फिर वो अपने बच्चों को बचाने निकल जाते हैं। उधर लिया अपने शार्प पंजों की मदद से बोट से चिपक जाती है लेकिन फिनी आइस टूटने से नीचे पानी में जा गिरता है। हेजल लिया को वापस शिप पर खींच लेती है और लिया उन्हें बताती है कि फिनी की जान खतरे में है। डेव ये सुनकर उसे बचाने जाता है और हेजल और लिया भी उसकी मदद करने जाती हैं। वहाँ वो देखते हैं कि फिनी को होश नहीं आ रहा और ये देखकर लिया को बहुत दुख होता है। डेव भी अपने बेटे को गले से लगा लेता है और तभी वो देखता है कि फिनी को होश आ गया है। उन्हें ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि वो दोनों पानी में भी सांस ले सकते हैं और डेव समझ जाता है कि पानी असल में उनका असली घर है और नेस्ट्रियन यहीं रहने के लिए बने हैं। तभी वो ग्रिफिन लिया और उसकी माँ पर अटैक कर देते हैं लेकिन डेव अपने ब्लू स्मोक की मदद से उन्हें बचा लेता है और फिनी को अपने साथ बाहर आने को कहता है। लेकिन फिनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और वो ग्रिफिन्स को अपने पीछे लगाकर उस क्रिस्टल केव में चला जाता है। वहाँ वो उन्हें एक जाल में फंसाने की कोशिश करता है लेकिन ग्रिफिन उसे काट डालते हैं और फिनी को खाने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाए ओबीसी वहाँ आकर उन दोनों को निगल जाती है और बताती है कि अब वो भी अपने बारे में जान चुकी है कि उसका असली घर ये पानी ही है। फिर वो उन सबको वापस बोट पर पहुंचा देती है जहां हेजल फिनी की हिम्मत की दाद देती है और कहती है कि तुम्हारे बिना मेरी बेटी नहीं बच पाती। तभी वो चिंपैंजी वहां आकर उन्हें अपने रूम में जाने को कहता है लेकिन फिनी कहता है कि हमें बोट पर रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमें अपना असली घर मिल चुका है। ये कहकर फिनी और डेव नीचे पानी में कूद जाते हैं और हम देखते हैं कि वो भी बोट के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। लायन और उसके साथी भी उन्हें देख लेते हैं और लायन कहता है कि हमें शायद इन्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि ये दोनों असल में पानी के जीव हैं। एंड सीन में हम उस बोट को अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।